जहां एक तरफ ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के न्यू स्ट्रेन ने हड़कंप मचा दिया है, वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीन को लेकर गुड न्यूज है। ब्रिटेन ने बुधवार यानी 30 दिसंबर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को हरी झंडी मिलने के बाद ही ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन लोगों को दी जा सकेगी। आम लोगों को ये कोविड-19 वैक्सीन देने की शुरुआत ब्रिटेन में जल्द की जाएगी। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके साथ ही ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने इस वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है, क्योंकि ये वैक्सीन नए कोविड स्ट्रेन जो अत्यधिक संक्रामक है और ठंड में तेजी से बढ़ता है के खिलाफ लड़ता है। ब्रिटेन में इस्तेमाल की मंजूरी पाने वाली ये दूसरी वैक्सीन है। इससे पहले फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे यूके में टीकाकरण अभियान में बड़े पैमाने पर विस्तार देखा जाएगा। इसके साथ ही यूके ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के 10 करोड़ डोज के ऑर्डर दिए हैं, जो कि 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए पर्याप्त है। इससे पहले दवा कंपनी फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन पहला देश बना था। वही अब ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला भी ब्रिटेन दुनिया में पहला देश है। वही आपको बता दें कि दवा नियामक के जरिए मंजूरी देने का मतलब ये होता है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और प्रभावी है और लोगों को इसकी खुराक दी जा सकती है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की खासियत ये है कि इसको एक सामान्य फ्रिज में रखा जा सकता है। वही दूसरी ओर फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री तापमान पर रखा जाना जरूरी होता है। वही ब्रिटेन में टीकाकरण के लिए प्राथमिकता वाले समूह में बुजुर्गों, स्वास्थ्य और देखभाल कार्यकर्ताओं की पहचान की जा चुकी है। वही भारत में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट अब धीरे धीरे पांव पसारने लगा है, क्योंकि देश में अब तक यूके से वापस आए 20 लोग कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। मंगलवार यानी 29 दिसंबर तक कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीजों की संख्या महज 6 थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके कोई भी सुझाव या प्रश्न हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।